अस्सलामुअलैकुम। मेरा दिल चाह रहा था, मुझे भूख लग रही थी तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ खाऊं। तो ये नगेट्स हैं 3 और मैं इसके साथ बना रही हूँ बर्गर। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बना रही हूँ। मंदिर जगह पर बर्गर बनाऊंगी। ये कबाब लगाऊंगी और एक अंडा लगाऊंगी, चटनी, टमाटर, प्याज, जो जो भी है मेरे पास सैलेड अवेलेबल वो सब लगाऊंगी। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाती जाती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। बहुत इजी है, अगर आपके पास सब कुछ बना बनाया है, लाइक आपके पास कबाब बने हुए तो मतलब आपकी दुनिया ही आसान हो गई। अगर कबाब बने हुए नहीं है तो आपकी दुनिया बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये फ्राई हो रहा है। ठीक है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। जी आ जाए, मैं बना रही हूँ सैंडविच। मैंने बर्गर का वो छोड़ दिया है, बर्गर नहीं बना रही मैं, सैंडविच बना रही हूँ। ठीक है, बर्गर नहीं बना रही। अब मैं इसमें टमाटर लगाऊंगी पतले पतले स्लाइसेस कटे हुए। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं अंडा लगाऊंगी और जो दूसरा सैंडविच होगा, मतलब मैं 3 लेयर सैंडविच बना रही हूँ, दूसरा जो होगा उसके ऊपर मैं एग लगाऊंगी। और जो नगेट्स हैं मैं वैसे साइड पे लाइक साइड के तौर पर खाऊंगी। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। केचप लगाना है, कि मैं थोड़ा नमक डाल दिया इस पे ऊपर सलाद पे, मतलब टमाटर और प्याज पे, और थोड़ी सी काली मिर्च। ठीक है, और अंडा मैं जो हूँ बस फ्राई करके सीधा डाल दूंगी यहाँ पर। और मैं इसके ऊपर ये लगा लेती हूँ चटनी, थोड़ी सी चटनी, बस 1 टीस्पून। ये पुदीने की चटनी है, पुदीने और इमली की, बहुत मज़े की बनी थी, बहुत स्पाइसी थी और बहुत खट्टी। हाँ, बहुत मज़ा आया खाने में। अच्छा, ये चटनी हो गई है। अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ थोड़ा सा मायोनीज। मायोनीज कोई सा भी ले लें, मैंने यूज़ किया है हैंड्स का मायोनीज। और केचप है, केचप भी हैंड्स का, कैसा आपकी मर्जी, आप जितना लगाएं वो आपके ऊपर है, सब डिपेंड करता है। और मैं थोड़ा सा साइड पर डाल रही हूँ कैसा, क्योंकि मेरे पास नगेट्स हैं तो उसके साथ पकाऊंगी। अच्छा जी, ये मेरा कबाब फ्राई हो गया, नगेट्स फ्राई हो गए मेरे। ठीक है, अब मैं इसको निकाल के, ये तो पक गया है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये है ही ऐसा ना, इसका हम कुछ नहीं कर सकते बेचारे का तो हम इसको ऐसे ही खा सकते हैं, इसका कचूमर तो बन जाना है वैसे भी, तो टेंशन की बात नहीं है। ठीक है जी, ये हो गया मेरे नगेट्स। ओहो, यो यो यो, अब मैं इसमें एग डाल रही हूँ।
एग मेरी कोशिश होगी कि पूरा डाल सकूं। कोई इशू नहीं है, तो मैं ये रख लेती हूँ करके। अंडा फ्राई हो गया मेरे मुताबिक, सही है ये। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर अंडा ऐसे ही लगा दूंगी। तो ये मुझे देख के भी खाने वैसे भी नहीं हो, क्योंकि इसमें सारी ज्यादा जल्दी निकल सकती है। आप लोग जल्दी कहते हैं, यू कहते हैं, जो भी कहते हैं, लेकिन उर्दू में तो जल्दी कहते हैं। तो इसके बाद मैं दोबारा काली मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, और अब मैं इसके ऊपर ये जो मैंने कबाब वाला सैंडविच बनाया था ये मैं इसके ऊपर रख दूंगी। ठीक है, और मैं इसको लास्ट में हल्का सा ऊपर से सेक लूंगी। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, यूँ रख के और उसको सेक लेना। मैं अभी सेक के दिखाती हूँ आपको कैसे सेकना। बस मैं एक मिनट में ही लेकर आई, आपको देख के दिखा दूंगी। ऊपर नीचे से जैसे सेक लेते हैं ना ब्रेड को, उस तरह से बहुत हल्का हल्का, बहुत कोई डार्क कलर का मुझे कलर का शौक नहीं है, बस सादा सा। बहुत मजे का लगता है ये मुझे सैंडविच इस तरह का। ये हो गया मेरा समोसा तैयार, सैंडविच प्लस नगेट्स प्लस केचप। ओके, अभी मैं खाने जा रही हूँ। ओके, बाय बाय।